रहे हैं। और चौधरी साहब, एमकेएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी है, कारकुन खुशखबरी की उम्मीद रखें। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। अभी तक जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक हुई है और उसका ताल्लुक एमकेएम के साथ है। किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना लें जरा, मेरा ख्याल है पीबी8 सीबी से ये रिजल्ट आया, जहाँ पर 122 पोलिंग स्टेशन का तमाम पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, जिसके मुताबिक सरफराज चाकर जो हैं वो 27,000 वोट लेकर पीपी उम्मीदवार हैं, वो कामयाब करार पाए हैं। और मीर असगर खान इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, जिन्होंने 18,263 वोट हासिल किए हैं, वो मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, उसके मुताबिक वो 9,430 वोट हासिल किए हैं। PA60 हैदराबाद का हल्का है, जहाँ पर मुकम्मल यहाँ पर वोट, यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनका नतीजा है गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ये जीत चुके हैं जाम खान शोरो, 38,186 वोट लिए हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इनके मध्य मुकाबल GDA के उम्मीदवार, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जीत हारे हैं, 6,917 और ये अब मुकम्मल नतीजे आ रहे हैं धड़ाधड़। एक और नतीजा जी बलोचिस्तान से बताइए। बिल्कुल, PB9 है कोलू, और यहाँ पर 74 पोलिंग स्टेशन है जिनका ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी सबकत लेती दिखाई देती है, 5,842 वोट हासिल किए, और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने 3,325 वोट हासिल किए हैं। और अब हम आपको बताएंगे PB30 का नतीजा, और ये भी मुकम्मल नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां पर 49 पोलिंग स्टेशन पे NP उम्मीदवार 9,823 वोट लेकर जीत चुके हैं, और उनके मध्य मुकाबले उम्मीदवार शकील अहमद, जिन्होंने 8,129 वोट नेशनल पार्टी के ये उम्मीदवार हैं रहमत अली, जिन्होंने पंजगोर से ये मुकाबला जीता। और PB15 एक और हल्का है जिसका मुकम्मल नतीजा आ चुका है, और इस नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून यहाँ में लीड में दिखाई देती है, यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है कि 24,936 वोट लिए हैं, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 15,405 वोट लिए हैं, 112 पोलिंग स्टेशन का ये मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। PB40 एक और हल्का है कोयटा का, जहां से इस वक्त 73 पोलिंग स्टेशंस के तमाम तर नतज हमें मौसूल हुए हैं, उनके मुताबिक HDQ के कादिर अली हमारे सामने मौजूद हैं उम्मीदवार, जिन्होंने 6,268 वोट हासिल किए हैं और वो जीते हैं। उनके मध्य मुकाबल जो उम्मीदवार हैं अख्तर मोहम्मद, उन्होंने 3,940 वोट हासिल किए हैं। टोटल 73 पोलिंग स्टेशन थे जिनका गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। एक और अहम हल्का PK112, जिसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे, ये भी मुकम्मल नतीजा हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पर पीपल्स पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई देती है।